इस देश में सबसे अच्छे दिमाग क्लास के लास्ट बेंच पर होते हैं। ये बात हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कही थी। द सो कॉल्ड लास्ट बेंचर्स और द बैक बेंचर्स, आर दे ऑलवेज टॉकेटिव एंड नॉटी स्टूडेंट्स और दे आर क्रिएटिंग समथिंग, दे आर डेवलपिंग समथिंग? क्या क्या कर सकते हैं क्लास ट्वेल्थ के बाद बच्चे? क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? कौन से कॉलेजेस चुन सकते हैं? कब अप्लाई करने की लास्ट डेट है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के दिमाग में चलती हैं। इन्हीं बातों का आज हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर हमें जवाब देंगे, वो हैं मिस्टर सौरभ महापात्रा। सौरभ जी, आपका हार्दिक स्वागत है गुड इवनिंग इंडिया में, एंड अ वेरी वार्म वेलकम स्पेशली इन दिस शो फॉर आर यंग स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स और हु हैव जस्ट फिनिश्ड देयर बोर्ड एग्जाम्स। सौरभ जी, व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म यू हैव फॉर देम? कुड यू प्लीज टेल अबाउट दैट? मेरे एग्जाम्स करके आपने कुछ नया शुरू किया है, ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है और इसमें क्या क्या है, क्या हमारे यंग स्टूडेंट्स को बताएंगे? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड इंडीड जो भी चीज़ें आपने बोली वो सब सही है। प्रॉब्ली ये वाला फेज जो है स्टूडेंट्स का, जब वो स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा टेंस फेज होता है बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर पेरेंट्स एज वेल। सो what we are trying to do at mere exams is to make this a little more comfortable. Okay. तो हम लोगों ने एक वेबसाइट और ऐप बनाई है जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जाके इंडिया के किसी भी कॉलेज, एंड इंडिया में देर आर 47,000 कॉलेजेस जी, एंड देर आर 203 डिफरेंट डिग्रीज विच दे कैन परस्यू। सो द वेबसाइट इटसेल्फ गिव्स आउट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ दीज, स्टूडेंट्स जा सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारा गैदर कर सकते हैं ताकि उन्हें डिसीजन लेने में आसानी हो। सो सौरभ, क्या मेरा ये मानना है कि ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग वेबसाइट है जैसे कि और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं? yeah. लेकिन आपने कहा मेरे एग्जाम्स कुछ हटके आप कर रहे हैं, जी तो हाँ. ऐसा क्या कुछ अलग कर रहे हैं? yeah. तो मैम, जैसे नाम में ही मेरे है, तो हमने ये देखा जब मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं अभी बहुत रिसेंट तक मैं स्टूडेंट ही था, तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट हमने जानबूझ के नाम मेरे इसलिए रखा क्योंकि हम जो चाहते हैं वो स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज सर्विस देना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स कैन पिक वॉट एवर कॉलेजेस दे वांट, दे कैन क्रिएट देयर ओन प्रोफाइल व्हिच इज़ कॉल्ड अगेन मेरी प्रोफाइल ऑन द वेबसाइट, वेयर दे कैन कीप ट्रैक ऑफ आइदर द कॉलेजेस, द एग्जाम्स एंड एनी अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, अब मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगर कोई बच्चे ने क्लास ट्वेल्थ में साइंस ली है एंड ही वांट्स टू अपेयर फॉर वैरायटी ऑफ लाइक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस फॉर साइंस आफ्टर डूइंग क्लास ट्वेल्थ, तो वो क्या ऐसी ऑप्शंस हैं? देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, देर आर द कन्वेंशनल वंस जैसे जो अब तक होता आ रहा है, बीटेक है, अगर आपने बायो ले रखी है तो आप मेडिकल की तरफ जाएंगे, बट अब जो हम वो चेंज देख रहे हैं, स्टूडेंट्स अब दूसरे कोर्सेज की तरफ भी अपना ध्यान देने लग गए हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे आपके वोकेशनल कोर्सेज सारी प्रोवाइड करी जाती हैं, सिर्फ साइंस स्ट्रीम नहीं बाकी सारी स्ट्रीम्स के लिए भी ये सच है, और जर्नलिज्म एक कोर्स है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वो कर रहा है, स्टार्टअप्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक बूम ला रहे हैं, नए नए फील्ड्स ओपन अप कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गई या ऑटोमेशन हो गया, तो ये सारे कोर्सेज भी स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लग गए। ओके, सो जहाँ तक सौरभ मैं अभी तक समझी हूँ कि आपकी हम वेबसाइट मेरे एग्जाम्स नाम करके जो वेबसाइट आपने बनाई है उस पे हम जाएं और अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या हमें ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि किस कॉलेज की डेडलाइन कब है अप्लाई करने के लिए और क्या क्या कोर्सेज वो कॉलेज ऑफर कर रहा है, इस तरह से क्या ये चलता है सिलसिला? जी मैम, एक चीज़ जो हमने रियलाइज़ करी थी, हर एक स्टूडेंट या पेरेंट का एक अलग कम्फर्ट लेवल होता है। एक स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हैं, खुद साइट पर आके अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन सेक्टर में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, एक थर्ड पार्टी ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने कुछ फीचर्स डिज़ाइन करे हैं जैसे लाइव चैट, आप साइट पे आइए और आप सीधा उन काउंसलर से बात करिए जिनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है और वो आपकी मदद करेंगे,
और एक और जो नई चीज़ हमने करी है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक वर्चुअल चैट, जो हमारा खुद का डेवलप किया हुआ एल्गोरिदम है, ये सुनने में काफी मुश्किल लग रहा है, बहुत भारी भरकम शब्द लग रहा है, थोड़ा प्लीज हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आसान तरीके से बताइए। और जितने आसान तरीके से मैं बताऊंगा उससे आसान ये चैट बनाई गई है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कंप्यूटर से आप बात कर रहे होंगे लेकिन आपको नहीं लगेगा कि आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। आप अपने चॉइसेस जो है उस कंप्यूटर में फीड करते जाते हैं, चैट में ही बताते जाते हैं, एंड विद इन 6 क्लिक्स द होल सिस्टम वॉट एवर इज देयर इन द एजुकेशन सिस्टम वो सारा पर्सनलाइज होके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी प्रोफाइल वहाँ जाके सेव हो जाता है। सो मान लीजिए आप जर्नलिज्म का ही कोर्स करना चाहते हैं जी, तो आप अपने ऑप्शंस चूज करिए, कौन से स्टेट में करना चाहते हैं, क्या फीस रखना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो अपने आप जितने भी कॉलेजेस जर्नलिज्म इंडिया में पढ़ाए जाते हैं और आपके चुने हुए स्टेट और वो जो भी चीज़ें आप डालना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ही की प्रोफाइल पे आ जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द कॉस्ट फैक्टर बिहाइंड दिस? अगर मैंने अपनी प्रोफाइल बनानी है क्या इसके पीछे कोई हमें फीस डिपॉजिट करनी है ऑनलाइन? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग। एंड सो व्हेन वी स्टार्टेड आउट हम ये चाहते थे कि ये जो टेक्नोलॉजी का पावर है और एजुकेशन एक ऐसा स्पेस है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एज अ कंट्री हमें, तो हम कॉस्ट को एक बैरियर नहीं बनाना चाहते थे। सो ऑल द सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग सारे बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें जो जो मैंने आपको गिनवाई ये सारी ही मुफ्त है। अरे वाह, सो इट मींस जो भी बच्चे ने अभी क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दिया सिर्फ उसको आपकी वेबसाइट मेरे एग्जाम्स पर जाना है, क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो ऑप्शंस जो है ऑटोमेटिकली उन्हें आती रहेंगी। इसके अलावा जैसे आपने बताया 47,000 कॉलेज है हमारे देश में, लेकिन अब किस प्रकार से पता लगेगा कौन सा कॉलेज बेस्ट है या अगर मेरे घर के नज़दीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी उन्हें वेबसाइट पे मिलेगी? जी मैम, एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था कि ऑथेंटिसिटी डेटा की, या पेरेंट्स को कैसे विश्वास हो वेबसाइट पे या उस पर, और ये हमें भी ये चीज़ ध्यान में आई जब हमने ये शुरू किया। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे देखेंगे, कॉलेजेस का जो 47,000 कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट डेटा से ही बनाया गया है। तो HRD मिनिस्ट्री का एक सर्वे आता है जिसके बेसिस पे हम लोगों ने उसी पे वैल्यू एडिशन करके सारा डेटा बनाया गया है। और जहाँ तक आप रैंकिंग या उसकी बात करते हैं तो आजकल बहुत सारी रैंकिंग आती है जो प्राइवेट सेक्टर रैंकिंग एजेंसीज हैं उससे, बट हम लोग जो रैंकिंग पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को दिखाते हैं वो रैंकिंग्स है जो एक एक्रेडिटेशन नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट कराती है वो देख सकते हैं। और जो डिस्टेंस वाली बात है या वो सारी बात है तो वो भी डेफिनेटली स्टूडेंट्स को वहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल जो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी कि उन्हें लग रहा होगा फटाफट हम कंप्यूटर पे जाएं, लॉगिन करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं। क्या फ़ोन पे भी आपने कुछ ऐप या इस तरह का डेवलप किया है? जी मैम, फ़ोन पे ज़रूर एक ऐप है, एंड्रॉयड पे अभी आई है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे एग्ज़ाम्स नाम से ही ऐप है। और आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे अभी मैंने आपको समझाया जी, ऐप भी वैसे ही बनाई गई है कि एक 16 साल 17 साल या 18 साल का बच्चा खुद ब खुद सारी चीज़ें कर पाए। बहुत आसान तरीका लग रहा है, एवरीथिंग इज़ अ क्लिक अवे, इधर यू कैन जस्ट लॉग ऑन योर कंप्यूटर या अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है वहाँ पर भी आप ये ऐप डाउनलोड करके आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन सारे कोर्सेज की सारे कॉलेजेस की आप घर बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। सौरभ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अगर किसी बच्चे ने किसी कोर्स के लिए एक पर्टिकुलर कॉलेज में एनरोल कराना है लेकिन वो फी स्ट्रक्चर जो है इट इज़ नॉट यू नो विद इन हिज लिमिट्स वो दे पा रहा है, क्या आपके पास स्कॉलरशिप्स या इस तरह का कुछ प्रोविजन है, इंस्टीट्यूट्स के साथ कुछ टाई अप है या आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनको वेबसाइट पर? जी मैम, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पिछले एक साल में जितने भी हमने 10,000-20,000 बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है। तो इसका मैम एक्चुअली उपाय ये है कि हम लोग स्टूडेंट से खुद बात करते हैं पर्सनली, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं,
बट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैपिंग करना और वो वाली चीज़ें देखना कि बच्चा इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो एक पर्सनल प्रोसेस है. तो इन स्टूडेंट्स को एक स्पेशल केस के ज़रिए हम लोग पहले उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर एक एक्सपीरियंस काउंसलर जो है उनके लिए ये देखता है कि वो कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ओके, सो बेसिकली यू आर गाइडिंग देम, यू आर प्रोवाइडिंग देम द वे, यू आर प्रोवाइडिंग देम यू नो व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर देम इन केस दे वांट टू गो फॉर अ स्कॉलरशिप. बहुत अच्छा है सौरभ. अगर कोई बच्चा क्लास 12th के बाद बाहर की किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है तो क्या उसकी ऑप्शंस भी मेरे एग्जाम्स वेबसाइट पर अवेलेबल है? मैम, ये वाला ऑप्शन जो है हम लोगों ने जानबूझ के नहीं डाला है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अब्रॉड के लिए ऑलरेडी कंसल्टेंसी के फॉर्म पे इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि लोग इंडिया पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे. तो हम लोगों का ये मोटो है इंडिया फर्स्ट राइट नाउ. तो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड कर सकते हैं. बिल्कुल, जब 47,000 कॉलेज हमारे देश में ही हैं और इतने सारे कोर्सेज हैं इन्होंने बताया, तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है. और इतनी अच्छी ऑप्शन आपने क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की है. इसके अलावा अगर 1-to-1 कोई स्कूल आपको अप्रोच करता है, चाहता है कि आप 100-200 बच्चों को एक साथ बताइए कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ऐसा भी कुछ प्रोविजन मेरे एग्जाम्स प्रोवाइड करता है? जी मैम, अभी हाल ही में हमने एक और प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम मेरे schools.com है. तो इसके तहत हम लोगों ने ये रियलाइज़ करा कि स्कूल्स के लिए ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल चाहते नहीं है स्टूडेंट्स को हेल्प करना इस टाइम पे, बट हर स्कूल के लिए एक अनबायस्ड और ऑथेंटिक डेटा मिलना बहुत मुश्किल होता है. तो वो काउंसलिंग के माध्यम से कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, बट काउंसलिंग भी ज़्यादातर कोचिंग सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव या प्राइवेट कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव ये लोग आके ही प्रोवाइड करते हैं. तो इससे जूझने के लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है मेरे schools.com और बहुत ही हाल ही में शुरू किया है. हम अभी काफ़ी सारे स्कूल्स के साथ कोशिश कर रहे हैं टाई अप करने की. तो इसमें क्या है, इसमें आप क्या करेंगे? आप स्कूल्स जाके बच्चों को काउंसलिंग करेंगे और यू विल टेल देम द वेरियस ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल आफ्टर क्लास 12th? हाँ, तो हमने एक चीज़ ये भी रियलाइज़ करी कि आज की डेट पे बच्चे 9वीं क्लास से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या कुछ और बनूंगा. तो बहुत ज़रूरी है उन लोगों को उस टाइम पर ये बताना कि पहले आप बन क्या सकते हो. सिर्फ ये 4 ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो हम लोग स्टूडेंट्स को फ्रॉम 9th क्लास ऑनवर्ड्स 400 डिफरेंट करियर्स के बारे में बताते हैं जो वो परस्यू कर सकते हैं. और ये भी सच है कि एक 9th क्लास के बच्चे को जो डाउट होगा, जिस चीज़ की गाइडेंस चाहिए होगी, और एक 12th क्लास के बच्चे को जिस चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो बहुत अलग है. तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये 9th, 10th, 11th और 12th के लिए अलग अलग बनाया गया है. जैसे 10th में स्ट्रीम सिलेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. सो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को बताना कि किस बेसिस पे आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. 12वीं क्लास में जैसे आपने पहले भी कहा, एंट्रेंसेस, कॉलेजेस, इतनी सारी कन्फ्यूजन होती है, तो वहाँ पे उस चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एक चीज़ यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, जो आपने एंट्रेंस की बात की, जैसे अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद अगर बच्चा ने 10 कॉलेजेस में अप्लाई किया है और उसकी लास्ट डेट आने वाली है, तो क्या आप कोई SMS या कोई मैसेज के द्वारा या ईमेल के द्वारा उनको बताते रहते हैं ताकि वो समय पर अपना फॉर्म जमा कराएं? जी मैम, जब ये शुरू किया था हमने मेरे एग्ज़ाम्स, आप बहुत अच्छा किस्सा है ये शुरू करने का एक रीज़न ये भी था कि मैंने खुद जब मैं अपनी MBA की तैयारी कर रहा था, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद आपको इंडिविजुअली हर कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना होता. बिल्कुल. तो मेरे फादर की एक डायरी थी जो इतनी मोटी थी सिर्फ इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए. और इस सब के बीच भी मेरा जो है एक कॉलेज है IFT, उसकी डेट निकल गई. तो जैसे आपने कहा, ये फीचर ज़रूर है और ये एज ए CEO सबसे पहली चीज़ थी जो हमने इम्प्लीमेंट करी थी, ताकि किसी भी और बच्चे को मेरी तरह ये दिक्कत ना हो कि वो कोई एग्ज़ाम या कोई इम्पॉर्टेंट फॉर्म मिस करे.
ओके वंडरफुल सौरभ, आपने जो जानकारी दी इससे हमारे जो क्लास 12 स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा। एक एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि आपकी एक फॉर्म की डेट निकल गई थी, तो शायद आपने सोचा कि क्लास 12 स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, तो इस तरह की कुछ ऐप बनाए, कुछ वेबसाइट बनाए। आने वाले सालों में आप और क्या क्या चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, क्या क्या एडिशंस लेकर आना चाहते हैं मेरे एग्जाम्स में? जी मैम, तो हम लोगों को शुरुआत से ही इस चीज़ में आई वुड लाइक टू से कि बहुत ज़्यादा मदद मिली है। एज यू नो, हम लोग स्टार्टअप इंडिया रिकग्नाइज स्टार्टअप है, तो हम लोगों ने जब शुरू भी किया HRD मिनिस्ट्री से भी काफ़ी मदद मिली। एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आपके गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, स्टूडेंट्स पर्सनली स्टेक होल्डर है, पेरेंट्स, उसके बाद लोन्स वगैरह के लिए बैंक्स। तो हम आगे जाके ये पूरे इकोसिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, और जैसे हम अभी भी कर रहे हैं, एक क्लिक अवे स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज्ड तरीके से, ताकि हर बच्चा अपने हिसाब से इस पूरी चीज़ को कस्टमाइज कर सके। ओके, सो इट मीन्स इट्स अ वेबसाइट विच कैन बी कस्टम्ड अकॉर्डिंग टू योर डिसिप्लिन विच यू हैव, अकॉर्डिंग टू व्हाट कोर्स ऑप्शंस यू वांट टू ऑप्ट फॉर आफ्टर क्लास 10th, एंड आल्सो व्हाट करियर ऑप्शंस यू कैन ऑप्ट फॉर आफ्टर क्लास 12th। एंड तो मेरा तो मुझे तो लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, एंड दे विल क्रिएट देयर ओन प्रोफाइल क्विकली, एंड दे विल बेनिफिट फ्रॉम ऑल द ऑप्शंस विच यू हैव टोल्ड देम। एक बार ये सौरभ, आप अपने जो वेबसाइट का एड्रेस, कैन यू जस्ट स्पेल इट out for the students so that they don't make any error while logging in? Could you please do that for them? Definitely. So the website is www.mereexams.com. So it's mereexams.com. By the very same name, you can find the app on the Play Store, jo aap aaram se download karke apne phone pe bhi use kar sakte hain. Saurabh, wonderful information, very, very knowledgeable information, and not only from you, from the website also, I'm sure our students will get. And jin logon ne abhi tak nahi login kiya, aap is website ko dekhiye, explore kariye, apni personal profile banaiye, meri profile naam se banaiye. You will automatically get updates for the last date of the forms, for the various universities, for the various colleges. Keep applying, keep exploring, and keep updating yourself with Mere Exams. Saurabh, thank you so much for joining us in our show. Thank you, ma'am. It's been a pleasure.